कक्षा 12वीं के बही खाता लेखाकर्म विषय के अंतर्गत इकाई 2 के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे साझेदारी से संबंधित। यहाँ जो अध्याय 1 है साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन और उसके मूल तत्व। तो यहाँ हम सबसे पहले जानते हैं कि साझेदारी क्या है, साझेदारी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साझेदारी अर्थात बराबर बराबर का अधिकार रखना। तो चूंकि व्यापार में हम देखते हैं कि जब एकल व्यापारी की कार्यकुशलता एवं पूंजी व्यवस्था की क्षमता क्या होती है, बहुत सीमित होती है, इस कारण वह व्यापार का व्यवसाय का विकास विस्तार करने में सक्षम नहीं हो पाता। अर्थात व्यापार को जब एक व्यापारी के द्वारा संचालित किया जाता है तो उसकी पूंजी की कैपेसिटी निश्चित होती है, उसकी कार्य क्षमता निश्चित होती है, व्यापार के डिसीजन लेने की क्षमता उसकी निश्चित होती है। तो इस प्रकार से वो व्यापार का विकास नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखें, हम जब व्यापार का विकास करना हो, विस्तार करना हो, बड़े उपक्रम को संचालित करना है, तो उसके लिए हमें अधिक लोगों के ज्ञान अनुभव, अधिक मात्रा में पूंजी और व्यवसाय को संचालित करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए साझेदारी के माध्यम से ही यहाँ पर संभव होती है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास धन होता है और उनमें व्यापार चलाने का आवश्यक गुण नहीं होता, तो कुछ व्यक्तियों के पास पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव होता है लेकिन उनके पास व्यापार चलाने के लिए धन नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कुछ धनवान व्यक्ति और कुछ अनुभवी व्यक्ति, कुछ डिसीजन मेकर आपस में मिलकर संयुक्त रूप से व्यवसाय को संचालित करते हैं, तो वो कहला जाता है साझेदारी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय। किम्बाल ने कहा है, जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे एकल व्यापार का ढंग अपर्याप्त होता है। एकल व्यापारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इतने अधिक हो जाते हैं कि स्वामी की इच्छा अपने श्रेष्ठ सहयोगी को व्यापार में सहभागी बनाकर प्रोत्साहित करने की हो जाती है। अतः जब विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार का संचालन करते हैं और उससे प्राप्त लाभ को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं, तो इस व्यापारिक व्यवस्था को हम साझेदारी पार्टनरशिप कहते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ देखेंगे हम। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी योग्यता तथा श्रम को लगाते हैं, साथ ही जो इससे लाभ या हानि होगी उसको आपस में बांट लेंगे, उसे हम साझेदारी कहते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं वे कहलाते हैं साझेदार, और जब ये सभी साझेदार आपस में मिल जाते हैं तो ये फर्म के रूप में व्यवसाय कहलाते हैं, उसे फर्म का नाम दिया जाता है। तो हमारे देश में साझेदारी जो व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होता है। जो वैधानिक परिभाषा है धारा 1932 की धारा 4 के अनुसार, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर आपस में व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं, या उनके द्वारा कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन कर रहा है लेकिन लाभ का जो वितरण है वो आपस में सभी बांटने के लिए सहमत हैं। कुछ परिभाषा किम्बाल के अनुसार, साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का संयोग करते हैं। वहीं साझेदारी व्यक्तियों के इस पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो प्रसंविदा करने योग्य होते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ कमाने हेतु आपस में एक वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हैं। यहाँ हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। पहली विशेषता जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में आवश्यक है कि कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वहीं दूसरी विशेषता पारस्परिक संबंध या वैध अनुबंध। साझेदारी फर्म का जो निर्माण हुआ, साझेदार जो तय हुए हैं उनके बीच में आपस में पारस्परिक संबंध।
वैधानिक व्यवसाय से तात्पर्य है कि जो भी साझेदारी के द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा रहा है वो वैध होना चाहिए, अवैध व्यवसाय नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है व्यवसाय द्वारा लाभार्जन। साझेदारी के अंतर्गत जो भी व्यवसाय किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। फिर बिंदु है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व वे उत्तरदायित्व कहलाते हैं जिसके अंतर्गत कि साझेदार द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो पूंजी के अलावा उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, व्यवसाय में यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति व्यवसाय में उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से भी की जाएगी, अर्थात उसके उत्तरदायित्व जो है वो असीमित होते हैं। फिर प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है, क्योंकि यहाँ साझेदारी क्या है, साझेदारों का एक समूह है, विभिन्न व्यवसाय व्यापारियों का, व्यापार करने वाले लाभ कमाने वाले लोगों का एक समूह है। तो यहाँ पर जो समूह की तरफ से एक जो फर्म तैयार हुई है, इस फर्म में प्रत्येक साझेदार जो है उस फर्म का सदस्य है, एजेंट कहलाता है। तो प्रत्येक साझेदार फर्म का एक एजेंट कहलाता है। फिर साझेदारी का संचालन जो है, यहाँ पर साझेदारी का संचालन जो है सभी साझेदारों के द्वारा आपस में मिलकर संचालन किया जाता है, या फिर किसी एक के द्वारा या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी संचालन किया जा सकता है। तो यहाँ पर साझेदारी का संचालन जो है किस प्रकार से होगा ये देखेंगे हम। फिर अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। साझेदार का जो हिस्सा है वो अपने हस्तांतरण को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, जब तक सभी साझेदारों की आपस में सहमति नहीं होगी कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण दूसरे को नहीं कर सकता, पर यदि करता है तो उस स्थिति में साझेदारी अनुबंध यहाँ पर टूट जाता है। फिर पूंजी में अंशदान, यहाँ पर प्रत्येक साझेदार के द्वारा ये तय किया जाता है कि किस साझेदार के द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी। फिर इसके बाद फर्म का पंजीयन, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा अथवा नहीं कराया जाएगा, यदि फर्म का पंजीयन कराया जाता है तो साझेदारी अनुबंध जो है वो पंजीयत होगी। वहीं लाभ विभाजन, सभी साझेदारों के बीच में आपस में लाभ विभाजन किस प्रकार से होगा, सभी साझेदारों के बीच में समान अनुपात में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उसका बंटवारा होगा, या फिर किसी अन्य तय अनुपात के आधार पर उनके बीच में लाभ हानि का वितरण होगा। अंतिम जो विशेषता है साझेदारों के बीच में आपसी विश्वास, यहाँ पर जो है सभी साझेदारों के बीच में आपस में विश्वास का, परम सद्विश्वास का होना आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर जो भी लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी साझेदारों के बीच में हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाए और सभी साझेदारों के बीच में इससे आपसी विश्वास बना रहता है। इसके बाद है साझेदारों के अधिकार। यहाँ हम देखेंगे कि एक फर्म में जो भी साझेदार हैं उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो जैसे पहला है व्यवसाय में सक्रिय भागीदारी का अधिकार। सामान्य रूप से सभी साझेदार व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं विशेष परिस्थिति को छोड़कर। तो यहाँ जो भी साझेदार हैं, सक्रिय साझेदार हैं, उन सभी को व्यापार के संचालन में, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है विचार रखने का अधिकार। सभी साझेदारों को व्यवसाय के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने का भी अधिकार है। फिर खाते व पुस्तक देखने का अधिकार। व्यवसाय से हिसाब किताब से संबंधित जितनी भी पुस्तकें खाते हैं उन सभी खातों को पुस्तकों को देखने का अधिकार सभी साझेदारों को होता है। फिर लाभ के बंटवारे का अधिकार। सामान्यतः साझेदारी संलेख में अपने लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात जो है वर्णित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी साझेदार आपस में अनुबंध के समय अपने अपने लाभ का हिस्सा तय करते हैं, लाभ का बंटवारा किस प्रकार से होना है, उस पे उसका लाभ प्राप्ति का अधिकार क्या होगा, ये सब अधिकार उनको पूर्व से प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात क्षतिपूर्ति का अधिकार। साझेदार व्यवसाय के हित में कुछ भुगतान कर सकते हैं एवं कुछ दायित्व उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी दशा में अपने द्वारा किए गए भुगतानों की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखता है। जैसे आवश्यकता पड़ने पर यदि व्यवसाय के लिए वो अतिरिक्त पूंजी की उपलब्धता कराता है तो इसे अग्र
अग्रिम एडवांस पर ब्याज पाने का अधिकार। सामान्य तौर पर साझेदार के द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। जो साझेदार के द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यदि वे पूंजी पर ब्याज लगाने का निर्णय लेते हैं तो उसके ब्याज का जो भुगतान है वो लाभ में से ही किया जाता है। तो चूंकि फर्म को प्रदान अग्रिम या ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो यहाँ पर यदि साझेदार के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उस पर सामान्य तौर पर उसे 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है।